अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 24, 36 एंड 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और हम इन तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 24, सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 36 और हमारे पास थर्ड एंड लास्ट वैल्यू है 48। अब मैं यहाँ आपको बता दी चलूँ कि जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। तो जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इन वैल्यूज़ में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तीनों ही वैल्यूज हमें 2 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं एंड तक, जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। स्टार्ट लेंगे 2 से, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया है अभी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। अभी भी ये इवन नंबर है, यानी कि अभी भी वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब हमारे पास 36 है, लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 18, यानी कि अभी भी वैल्यू 2 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसलिए इसे हम करेंगे 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब हमारे पास है 48, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, यानी कि वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे। ये बन चुका है 24, लास्ट में इवन नंबर है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। 12 बन चुका है, 2 टाइम्स 6 इज 12 होता है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 3 को हमने 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 खुद एक प्राइम नंबर है। यहाँ इन तीनों को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और इनके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एचसीएफ किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स, इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहले हम 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद आ गए 36 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 48 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब चाहिए हमें क्या? अब चाहिए हमें कॉमन फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि तीनों में मौजूद है, जिनका हमें तीनों में पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम उनकी पेयरिंग करेंगे। ये एक 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिखा। ये एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिखा। उसके अलावा एक 3 का भी पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिखा। इसके अलावा हमें और कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद हो। यहाँ 2 का पेयर बन सकता था अगर यहाँ पे भी 2 होता। जब हम ऐसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि यहाँ हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब में वो प्राइम फैक्टर मौजूद होगा, तभी हम उसका पेयर बना सकेंगे। जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम 2 में भी पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड आउट करें, इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ ऐसे ही पेयर्स बनाएं जो कि तीनों में मौजूद हैं। इसके अलावा हमें इन तीनों के अलावा और कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम जो हमें कॉमन फैक्टर्स मिले उनको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24, 36 एंड 48 का। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 2 इज 4 एंड 4 टाइम 3 इज 12। मीन्स हमारे पास यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ चुका है, जो कि है 12। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।